तो फाइनली आज की क्लासेस काट रहे हैं पार्ट टू वीडियो का। ठीक है, पार्ट वन वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में है, जाके आप देख सकते हैं। सबसे रही बात महत्वपूर्ण है कि आज आपका मेगा एपिसोड रहने वाला है। कौन सा मेगा एपिसोड? जिसमें आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हॉस्टल वार्डाना के बारे में। ठीक है, कौन से बारे में? हॉस्टल वार्डाना में, जिसमें आपका पेन ही नहीं चल रहा, क्या बताऊँ आप। सो फाइनली आज आपका सेकंड क्लास है। ठीक है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन और लेबर इंस्पेक्टर का, हॉस्टल वार्डन के कंप्यूटर में 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी प्रकार लेबर इंस्पेक्टर में 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज की क्लास है आपका पार्ट टू वीडियो, जिसमें मेमोरी से प्रश्न देखेंगे, यानी कि 50% चांस यहीं से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, व्यापम हो या पीएससी हो, अगर आप कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर, अगर जो लोग पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। ठीक है, और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए एपीसीजी व्यापम पटवारी 2019 में पूछा गया है। मैं जो भी व्यापम को क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेमोरी से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग तैयारी ही करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर जिनको तैयारी नहीं करना है तो बिल्कुल वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो वीडियो को एक बार में याद नहीं होगा आपको, तो वीडियो को दोबारा, ठीक है, वीडियो को दोबारा आप लोग डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं एक महत्वपूर्ण फार्मूला बताने वाला हूँ, उसको पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो जितने भी है सभी व्यापम और पीएससी में पूछा गया है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी जो क्वेश्चन है आपका व्यापम पीएससी में आया हुआ है, इसीलिए मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आज आपका मेगा एपिसोड रहने वाला है ताबड़तोड़ क्लास। ठीक है, मैं वही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, अगर पार्ट वन वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे बॉक्स में दिया गया प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियो आपको एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में एक ना एक नंबर क्वेश्चन वहाँ से उठा रहा है। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ना वो यहाँ से पूछा जा रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कंप्यूटर के माप से एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा रहा है, यहीं से कम एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहीं से अवश्य उठाएगा व्यापम या पीएससी। तो चलिए इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, उसके बाद हम पूरा टेस्ट सीरीज देखेंगे, टोटल टेस्ट देखेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग तैयारी नहीं करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, उसके लिए बेकार ही है समझो। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, 1 निबल बराबर 4 बिट होता है। ठीक है, 1 निबल बराबर कितना होता है? 4 बिट होता है। उसी प्रकार 1 बाइट यानी कि 1 बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट, उसको 2 निबल कहा जाता है। जैसे कि 2 निबल का मतलब 1 निबल में कितना होता है आपका? 4 बिट, है ना, उसी प्रकार 2 निबल का कितना हो जाएगा? 8 बिट। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, तो उसी पर 2 निबल बराबर कितना होगा? 8 बिट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अभी एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 किलोबाइट यानी कि केबी, 1 किलोबाइट मतलब कितना होता है? 1024 बाइट, उसको 2.10 किलोबाइट या फिर 2.20 की घात 20, ठीक है, ये मतलब 2 की घात 20 बाइट लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मेगाबाइट के बारे में बात करें, जो आपका 1 मेगाबाइट है आपका 1024 किलोबाइट के बराबर। ठीक है, ये एग्जाम में ये वाला ज़्यादा पूछता है, ये वाला एग्जाम में, और ये भी आया हुआ है, लेकिन ये जो डिबली है ये सब डिबली ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया था। ठीक, 1 गीगाबाइट का मतलब 1024 मेगाबाइट। देखिए एग्जाम में पूछता है कि एक बार ध्यान से समझना, 1 किलोबाइट का मतलब 1024 बाइट, उसी पर 1000 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, किलोबाइट का मतलब केबी, है ना, याद रखना। अब 1 गीगाबाइट मतलब 1024 MB, यानी कि ये आपका हो जाएगा MB इस प्रकार। अब 1 टेराबाइट मतलब 1 गीगाबाइट यानी कि 1024 गीगाबाइट, याद रखना। ठीक है, इस तरह का एग्जाम में आपको पूछता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक्सा के बाद है आपका पेटा, उसी के बाद जेटा के बाद है 1024 एक्सा बाइट, यहाँ पर जेटा और किलोबाइट, है ना, तो सबसे छोटी इकाई क्या अगर पूछेगा तो क्या तो बाइट से नापते हैं। ठीक है, क्या है? बाइट से। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन?
50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो कंप्यूटर कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं 30 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए लाइव क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लाइव क्लास अभी फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ, जो है आप लोग तैयारी कीजिएगा। मैं यूट्यूब पर बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है, बिल्कुल डेली परमानेंट तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा ना। सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे उसी को मैं नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ, यानी कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसी के पास अब से नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, ठीक है। तो कितने लोगों का आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी जाती है। पहले ध्यान से सुनिएगा, कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कितने, 2। कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जितने भी बच्चे यहाँ पर हमारे जुड़ चुके हैं, जो भी व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को मैं कह रहा हूँ, तैयारी करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो आपको पता है कैसे चलेगा कि इसका आंसर ये होगा। तो आप लोग टेस्ट के रूप में आप कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, 2 प्रकार की मेमोरी जाती है। कौन कौन सा, पहला आपका प्राथमिक मेमोरी, कौन सा हो जाएगा प्राथमिक, और दूसरा है आपका द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। कौन सा है, द्वितीयक मेमोरी, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप सभी को मालूम होगा ना, वही है। चलिए निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल बताना। एक बाइट मतलब कितना होता है, एक बाइट मतलब कितना होता है, वैसे एक निबल का मतलब कितना होता है, एक निबल का मतलब होता है 4 बीट, ठीक है। तो इसी प्रकार कितना हो जाएगा, 8 बीट मतलब 1 बाइट, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा, 1 बीट मतलब 8 बीट, ठीक है, यानी कि बाइट से उसको नापते हैं। तो निम्न में सबसे बड़ी इकाई पूछा गया, तो सबसे बड़ी इकाई क्या है पता है आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से सबसे बड़ी इकाई आपको टेराबाइट होगा, क्या होगा, टेराबाइट, ठीक है, मेगाबाइट नहीं होगा, टेराबाइट है, व्यापम में पूछा गया 2018 में। सबसे छोटा मेमोरी साइज, सबसे छोटा जो मेमोरी साइज है आपका किलोबाइट, कौन सा है, किलोबाइट, कहां पर दिया गया, ऑप्शन बी में दिया है, इसका आंसर कौन सा होगा, किलोबाइट, ठीक है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है, यहां पर आप देख रहे हैं, तो देखिए अगर मेमोरी का साइज पूछा जाए तो टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट दिया गया है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इन दोनों चारों में, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका इसमें किलोबाइट, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, गीगाबाइट या फिर टेराबाइट। जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए, सबसे छोटा पूछा यहाँ पर है ना, तो इसका आंसर आपका होगा किलोबाइट। अगर बड़ा पूछा जाए तो चलिए आप सभी के 50% में आपको आंसर दे दिया हूँ, ए या फिर डी, क्या आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट करो ना, क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा दोनों में से, बिल्कुल कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा ना, टेराबाइट या गीगाबाइट। कितने लोगों का आंसर टेराबाइट आ रहा है, आंसर ए, कितने लोगों का टेराबाइट आ रहा है, बिल्कुल सही है ना, ये तो अभी बहुत कम है, पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि व्यापम पीएससी बार बार यही प्रश्न पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, 1 TB, 1 TB का मतलब होता है टेराबाइट, तो 1 TB के बराबर क्या है, आंसर ए, आंसर बी या आंसर डी, KB, MB, GB, ये याद रखें हमेशा, KB, MB और GB, ये आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। KB का मतलब किलोबाइट, इसका मतलब मेगाबाइट, इसका मतलब गीगाबाइट, उसके बाद आपका टेराबाइट, ठीक है। तो 1 TB के बराबर क्या होता है, तो 10^9 KB, ठीक है, ये आपका आंसर ये हो गया, 10^6 MB, 10^3 GB, ये अभी क्या है, 1 TB के बराबर है, पटवारी में पूछा गया है। उसी प्रकार आप देखिए, उसको मैं बताया था ना, अब डिटेल में डीपली पढ़ा करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो डेली क्लास कराया जा रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए 1 TB का मतलब होता है क्या आएगा, 214 byte, 2^14 byte, ठीक है, कहाँ, ऑप्शन डी,
17 पूछा है। अब एक सीडीआर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, जो सीडीआर है आपका वर्म के रूप में जाना जाता है, वर्म का फुल फॉर्म क्या है आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए ना, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए कितने लोगों का आंसर आ रहा है, कितने लोगों का नहीं आ रहा है कमेंट में बताओ। हाँ बिल्कुल कमेंट बताओ कितने लोगों का आंसर आ रहा है और नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल जी, बोलो फटाफट कमेंट करो, वर्म का फुल फॉर्म क्या है, वर्म का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताओ। जी हाँ बिल्कुल सही है। चलिए 1 PB, पीबी का मतलब पेगाबाइट, पेटाबाइट ना, पेटाबाइट, पेटाबाइट, पेटाबाइट को टेटाबाइट यानी कि टेराबाइट, 1024 टेराबाइट, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। सीडीआर को किसकी मेमोरी है, देखिए सीएसपीसीएल यानी कि आपको विद्युत विभाग में पूछा गया है 2019 में। सीडी किस प्रकार का मेमोरी है, सीडी किस प्रकार का मेमोरी है जल्दी से बताइए, बाहरी भीतरी ये सहायक या एक या दो दोनों। सीडी किस प्रकार की मेमोरी, सीडी का मतलब जानते हैं ना, सीडी कितने का रहता है, सीडी डीवीडी, ये सीडी आपका 700 MB है ना। एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, जो सीडी है किस प्रकार की मेमोरी है, भीतरी बाहरी या सहायक वन या टू दोनों में से एक, या फिर सीडी जो है सीडी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क जो 700 MB तक उसको कवर करती है, जबकि डीवीडी, ठीक है, डीवीडी जो है आपका 7 700 MB, उसी प्रकार आपका डीवीडी हो जाएगा आपको 4.7 GB। जबकि अगर ब्लू रे डिस्क की बात करें, ब्लू रे डिस्क के बारे में बात करें तो ये आपका हो जाएगा 25 MB। पूरा क्लियर करा रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद कर लो, रट्टा मार लो। एक बार में आपको वीडियो याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पर, वीडियो को दोबारा डाउनलोड कर लो, डाउनलोड नहीं करना है तो वीडियो को दो बार देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी है ना, ठीक। RM का एक प्रकार नहीं है, RM क्या है, देखिए जो RM है आपका 574 MB वो नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई पूछा गया है, ठीक है, अस्थाई पूछा गया तो आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा, हार्ड डिस्क, रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइवर या रोम। तो इनमें से अस्थाई मेमोरी पूछा गया है, अस्थाई मेमोरी पूछा गया है तो इसका आ जाएगा रैम। रैम का मतलब समझते हो, RAM, रैम, रेडम एक्सेस मेमोरी, क्या होगा, रेडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ये भी 2019 में पूछा गया, सेल फोनों में से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जो आपका सेल फोन है किसी भी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको फ्लैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्लैश, ठीक है, क्या कहता है, फ्लैश। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, स्थायी डाटा भंडारण, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच महत्वपूर्ण डाटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा कि मेमोरी और प्रोसेसर के बीच अवरोध दूर करने के लिए करते हैं। हाँ टेम्पररी मेमोरी कहलाती है, टेम्पररी मेमोरी आप सभी को मालूम है, रैम, ठीक है, क्या है, रैम, RAM, रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कलर का 2019 में। निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी होती है, स्मृति होती है यादगार के तौर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर।
CGV अपन 2014 में पूछा है कि 1 GB के बराबर होता है, तो 1 GB के बराबर होता है टेराबाइट। डीवीडी रोम का मानक रूप क्या है? देखिए मैं पूरा क्लियर कराने वाला हूँ ना। डीवीडी का ये आपको 4.0 किसका है? ब्लू रे डिस्क का, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क का हो जाएगा। जबकि ये आपका आ जाएगा क्या पूछा गया, डीवीडी रोम 4.7G। नहीं एक मिनट ना, ध्यान से समझिएगा, ये जो 4.7G है आपका डीवीडी से संबंधित है, जबकि आपका 700 MB किस में, सीडी में, कंपैक्ट डिस्क में, जबकि ये आपको पूछा गया डीवीडी में। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, ROM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो वो डीवीडी के लिए अगर हो जाएगा 4.7 GB में। चलिए नेक्स्ट है, ये भी CGPSCL 2019 में पूछा गया था, वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर की USB पोर्ट में प्लग किया जाता है उसको फ्लैश ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? निम्न में से किस स्टोरेज की कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा है? तो ब्लू रे डिस्क कितना है, 25 MB, कितना है 25 MB तक, ठीक है। निम्न में से किस स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसकी भंडारण है छहने की क्षमता है कौन सा है? तो 25 MB ना सबसे ज्यादा, ब्लू रे डिस्क को बिल्कुल। देखिए अब इसका मैं बता देना चाहूंगा, डीवीडी का आ जाएगा क्या आ जाएगा 4.7 GB, ठीक है। जबकि सीडी का हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क को रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है, बिल्कुल 700 MB, ब्लू रे डिस्क 25 MB, ठीक, क्लियर हुआ? 17 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, प्राथमिक को क्या कहते हैं, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम, कंपटीशन वाणी की व्यापम DDI में पूछा गया है कि 1 BB खाली सन कलेक्शन के बराबर होता है, तो 8 के बराबर होता है, कितना 8 बिट के बराबर, ठीक। सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है, सीडी में लेजर रेबेको लेजर, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, पार्ट टू वीडियो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ऐसे ही और भी टेस्ट देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही है, क्वेश्चन ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इससे आपको बेनिफिट यह मिलेगा कि आपको तैयारी अच्छे से हो जाएगा। किलोबाइट कितने बाइट के समान होता है, किलोबाइट जल्दी से बताना, किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? मालूम नहीं, चल छोड़ दो। एक तरल एकल परत डीवीडी की क्षमता क्या होगी, 4.0 डीवीडी पूछा जाए, क्षमता पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछ दिया जाए, 4.7 GB हो जाएगा, 4.7 GB क्या हो जाएगा, 4.7 GB, ठीक। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थाई डाटा रहता है उसको मास्टर फाइल कहा जाता है, ठीक है, अपेक्षित डाटा रहता है, हाँ। व्यापम पटवारी 2019 में पूछा गया था कि टेराबाइट मेमोरी क्या है, टेराबाइट तो आपका हो जाएगा ये 4.40, ये 4.40। निम्न में से कौन से संबंध सही है, तो सही है आपका पहला हो जाएगा बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर राइटिंग टेबल, ठीक। CGV अपन 2017 में पूछा गया है कि इसमें कौन सा स्टोरेज माध्यम की क्षमता है जो सही क्रम में सबसे बड़ा चुना गया है, तो फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद CD, फिर DVD, फिर ब्लू रे डिस्क, ठीक है। आप सभी को इंटरेस्टेड करने के लिए बहुत सारे वीडियो पर
हाँ, मेरा आज जो जीवी है वो आप ख़त्म हो चुका है। वाईफाई के वजह से क्लास चल रही है। एक बाइट में कितने मूल्य रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल क्या आएगा आंसर? 256। रजिस्टर उच्च गति की है। उच्च गति मतलब यार आपको पता होना चाहिए ओम रोम या रीम। निम्नलिखित में कौन से मेमोरी के सबसे एक्सेस समय है? तो ये आपका हो जाएगा कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सीपीयू द्वारा संबोधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम को रिस्टोर करके निम्नलिखित में कंप्यूटर का प्रयोग की जाती है। तो इसका आ जाएगा इंटरनल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी को किस प्रकार कहा जाता है? तो ये आपका आ जाएगा आप सभी का डिस्क स्पेस पर। इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तेज मेमोरी कंप्यूटर में है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। टेक्स्ट मेमोरी, रजिस्टर। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में कौन सा गलत है? मानक भंडारण क्षमता के अनुसार देखिए, अभी मैं आपको बताया था ब्लू रे डिस्क 25, डीवीडी 4.7, सीडी 700 MB। तो ये आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, चलिए सीजीवी अपम अटवारी 2017 में पूछा गया था कि सीडी का एक फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल डिस्क। छे मेमोरी एक जो उपयोग है, छे का मतलब होता है, सीजीपीएससी में पूछा गया था, 1 KB के बराबर होता है 1024 बाइट। अब भी आपको पढ़ाया हूं मैं। बिट से मिलकर एक खलिशन बनाता है। बिट से मिलकर एक निब्बल बनाता है। क्या बनाता है? निब्बल बनाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। जितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं ना, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है ना। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए 4 बिट्स मिलकर एक क्या बनाता है? 4 बिट्स निब्बल बनाता है ना। चलिए, निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क या यूएसबी डिस्क ड्राइव? क्या आएगा? मेरा ऊर्जा बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है ना, ऊर्जा बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट क्या है आंसर, क्या ले रहे हो? ई कैसा है गाला पीपो? इसका आप लोग बताइए क्या है। डिस्क का नवीनतम प्रारूप अभी मौजूद है क्या है? डीवीडी, हार्ड डीवीडी, सीडी, ब्लू रे डिस्क। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है। तो डिस्क का नवीनतम प्रारूप होगा आपका ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क। चलिए फटाक से नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी 2019 में पूछा गया है। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर पार्ट टू वीडियो चाहिए आप लोग को, ठीक है, अगर पार्ट टू वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में कमेंट करके कीजिएगा कि सर हमको पार्ट टू वीडियो चाहिए। आपका पार्ट वन वीडियो बहुत ही अच्छा था। अगर पार्ट वन वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर कितने लोगों दिया? 30 सेकंड का समय दिया था, जिसमें 25 लोगों का आंसर आया है, मतलब बहुत ही कम लोगों का आया है, यानी कि तैयारी नहीं चल रही है। तैयारी करना चाहते हैं क्या? क्या आएगा? ब्लू रेड इसका ना 10 लाख मिलियन बाइट लगभग होती है, मेगाबाइट के बराबर। किसका? मेगाबाइट, याद रखना मेगाबाइट। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क का। जो मैग्नेटिक स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क का होता है, HRD, हार्ड डिस्क। ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण। चलिए अब देखते हैं कि ये भी आपको व्यापार में पूछा गया, एक मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? जो मेगाबाइट होता है आपका मिलियन के बराबर होता है, 1 मिलियन, 1 मिलियन याद रखना, 1 मिलियन के बराबर होता है।
ठीक है, ये भी आपका सीजीपीएससी और उसमें पूछा गया था सहायक ग्रेड 3 में कि डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है, डीवीडी, एचडीवीडी, सीवीडी या ब्लूरे डिस्क। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, ब्लूरे डिस्क। निम्न डिवाइस में किससे सबसे तेज एक्सेस मेमोरी है, तो आपका हो जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, आप देखिए सीजी व्यापम एडीओ 2018 में पूछा गया था, एडीओ में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है जबकि आगामी एग्जाम में भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो देखिए सीपीयू के द्वारा संशोधित प्रोसेस के किए जा रहे प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, एक मिनट ना, क्लियर हुआ क्या आएगा आंसर? इंटरनल मेमोरी रे, बी, इसका आंसर बी होगा। व्यापम एडीओ 2018 एक सीडी भंडारण की क्षमता को मापा जाता है, मान लीजिए कि सीडी है, सीडी, ठीक है, उसकी जो भंडारण क्षमता है उसको किससे मापी जाती है? मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट से मापी जाती है। सीजीपीएससी हॉर्स और वार 2016 पूछा गया है प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो प्रिंटर की गति को मापने के लिए, मान लीजिए प्रिंटर है, उस गति को मापने के लिए आपका सीपीएस, एलपीएस, पीपीएस, ये बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? डी। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। सीजी व्यापम में पूछा गया था बीट का अवतार या बाइनिबल हाई डेंसिटी डबल संस्पेस क्या आएगा, 1.44 MB, जो कि स्टोरेज को कर सकती है क्या, डबल साइड फाइट। ठीक है, व्यापम में पूछा गया फिर से पावर बंद होने पर कैश और मेन मेमोरी अपनी सामग्री खो देता है, वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर, गिनती गिन रहे हो कि ऐसे चल रहा है? खाली स्थान उपयोग से डेटा एक बार से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता, सीडीआर जो है एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर जो लोग हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, अन्य भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल को जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो में कमेंट आया था कि सर आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को कहूँगा अभी फिलहाल हमारे चैनल पर कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ और भारत, ये तीनों की क्लास चल रही है। ठीक है, कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, करंट अफेयर, भारत और कंप्यूटर। ठीक है, जो लोग बाल मनोविज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें हॉस्टल वार्ड नंबर 10 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर मिल जाए आपको बाल मनोविज्ञान से। ठीक है, चलिए ये भी आपके व्यापम, सभी क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया, चलिए इसको छोड़ दीजिए ना, एक मिनट, आप सभी कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, सीडी डीवीडी, डीवीडी एचडी, सीडी डीवीडी एचडी, इसका आंसर से बहुत लोगों ने लिया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। चलिए आप सभी का वीडियो, आप सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, आप सभी का परफॉर्मेंस जो था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हम तैयारी कराएंगे बेसिक टॉपिक के साथ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग ऑफ द शो काइंडली क्लियरफुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे करते हैं। अगर आप लोग पार्ट टू वीडियो चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, पार्ट टू वीडियो लेकर जरूर आएँ, हम जरूर लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।